हरि ओम श्री राम अम्भग्य नाथ संविद। मेरा नाम ऋतु वीरा सिकरवार है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर केंद्र से हूँ। बापूजी को मेरे जीवन में आए हुए पूरे 14 वर्ष हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अपना अधिवेशन से जुड़े हुए अनुभव को शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ। सन 2008 से मुझे बापूजी के अधिवेशन में हमेशा शामिल होने का मौका मिला। एक बार ऐसा हुआ कि बापूजी अधिवेशन में आए और बापूजी ने अपने बारे में सारी अपनी जो बापूजी की दिनचर्या है उसके बारे में बापूजी ने सारा बताया कि वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, ऐसा पूरा बताया। तो उसमें बापूजी ने ये बताया था कि मैं रोज़ काफ़ी पीता हूँ। मेरे घर पर मेरा एक नियम है कि मैं रोज़ सुबह में बापूजी को अपने हाथों से चाय पिलाती हूँ। सिर्फ ऐसे बापूजी के आगे कपबसी भरकर रख नहीं देती हूँ, हाथ से बराबर कप को उठाकर और अपन लोग जैसे चाय पीते हैं ना, फूंक मारकर बराबर में बापूजी को चाय पिलाती हूँ। और ऐसा ही मेरा नियम है बापूजी को खाना खिलाने का, पूरी थाली परस करके जैसे अपन लोग खाना खाते हैं ना, वैसे मैं बापूजी को अपने हाथ से तोड़कर दाल या सब्जी जो भी है उससे पूरा निवाले को लेकर और बापूजी के मुँह में खिलाती हूँ। ऐसा मेरा नियम है रोज़ का घर का, ऐसा ही मैं करती हूँ, ऐसा ही मेरे बच्चे भी करते हैं और मेरे पति भी करते हैं, हम सभी फॉलो करते हैं इस नियम को। तो ऐसे ही बापूजी ने जब अधिवेशन में बताया कि मैं रोज़ काफ़ी पीता हूँ, अब मेरी तो आदत थी कि मैं रोज़ बापूजी को चाय पिलाती थी। अब एक दिन मुझे जब से बापूजी ने बताया तब से मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी कि मैं तो बापूजी को रोज़ सुबह चाय पिलाती हूँ और बापूजी तो कॉफ़ी पीते हैं। यानी मुझे ऐसा बुरा लगने लगा कि मतलब मैं बापूजी को कॉफ़ी क्यों नहीं पिलाती हूँ, बापूजी तो कॉफ़ी पीते हैं, मैं चाय पिलाती हूँ। तो एक दिन सुबह में 6:10 का टाइम था, ये सन 2010 की बात है, सुबह 6:10 पर मैंने बापूजी के लिए चाय तैयार करी, कपबसी में चाय ली, हाथ में पानी का गिलास लिया। मेरे घर में बापूजी की शरण पादुकाएं रहती हैं तो मैं बापूजी के पास चाय और हाथ पानी लेकर गई। फिर मैंने बापूजी को पानी पिलाया, फिर मैंने बापूजी से कहा कि बापूजी आप तो कॉफ़ी पीते हैं पर मैं आपको चाय पिला रही हूँ। ऐसा करके मैंने कप में फूंक मारी और फिर मैंने बापूजी को कहा लीजिए बापूजी चाय पीजिए। और जैसे अपन लोग चाय पीते टाइम अपने मुँह से आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ बापूजी ने ज़ोर से करके चाय पी, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई चाय पीने की करके बिल्कुल, कि मतलब मुझे बापूजी ने यह बताया कि तुम मुझे प्यार से चाय पिलाओ चाहे कॉफ़ी पिलाओ, मैं सब पीता हूँ। ये मतलब अनुभव मेरे लिए बहुत ही दिल के मेरे करीब है कि मतलब बापूजी को अपन कुछ भी पिलाएं खिलाएं, भले ही बापूजी उस चीज़ को वहाँ खाते हो या नहीं खाते हो, लेकिन अपन खिलाते हैं तो बापूजी बड़े ही प्यार से खाते हैं। ऐसे ही अधिवेशन दूसरे साल का अधिवेशन था, ये बापूजी आए अधिवेशन में शाम के 5:00। बापूजी 5:00 आए, थोड़ी देर स्टेज पर चढ़े, थोड़ी सी बात की और फिर बापूजी बोलने लगे कि आज है ना मेरा शाम का खाना रह गया है तो मैं खाना खाकर आता हूँ फिर अपन बात करेंगे। तो शाम के 5:30 पर आ गए थे और हम दोनों पति पत्नी तो अधिवेशन में थे वहाँ पर, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा यहाँ इंदौर में था। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक बापूजी ने ब्रेक लिया है अपन भी उससे बात कर लेते हैं। तो मैंने उसे फ़ोन लगाया वहाँ से और फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा है, तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। उसने कहा मम्मी मैं बापूजी को खाना खिला रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अभी सच में बापूजी यही बोलकर गए हैं कि मैं खाना खाकर आता हूँ। यही हमारा अनुभव है बहुत ही प्यारा कि बापूजी को हम जो भी प्यार से आज तक हमने तो बापूजी को इतना कुछ बापूजी के लिए नहीं किया है, लेकिन बापूजी ने हमसे इतना ज़्यादा प्यार किया है और आज तक हमने जो भी बापूजी को दिया है बापूजी ने बहुत ही प्यार से हमसे स्वीकार किया है। बस बापूजी के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि आज उनकी कृपा से मेरा पूरा परिवार बहुत बहुत ही ज़्यादा सुखी है और उनका आशीर्वाद इसी तरह सब पर बना रहे, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं ही नहीं सभी लोग इस चीज़ को करें तो सभी के जीवन में ऐसे सुख और शांति आएगी बापूजी के द्वारा, ऐसा मेरा बापूजी के ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी बापूजी को प्यार से पुकारेगा बापूजी उसके लिए बिल्कुल आते ही हैं और आएंगे ही। हरिओम श्री राम अम्भग्य नाथ समेत।